हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं पंपकिन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखिए आप उसकी रेसिपी। इसको कद्दू भी बोलते हैं, कुमड़ा भी बोलते हैं। इसकी आज मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ फल्ली दाने के साथ। देखिए आप इसकी रेसिपी। हम गैस ऑन करेंगे। ये पैन रख दिए। इसमें क्या क्या लगेगा? ये ऑयल है, ये फल्ली दाना जो हमने क्रश करके रखा हुआ है, ये हल्दी पाउडर है, ये मेथी दाना है, ये जीरा है और ये राई है। इसमें हम रेड चिली नहीं डालेंगे और ये नमक है। और इसमें हमारे पास ये हरी मिर्ची है, हम हरी मिर्ची की बनाएंगे। ये लहसुन है, ये हरा धनिया है और ये है कड़ी पत्ता। गैस ऑन कर लिया हमने। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि ये ऑयल में ही पकता है, इसमें पानी नहीं डालते हैं। अगर ग्रेवी करना है तो आप पानी डाल सकते हो। ये अदरक का टुकड़ा है। अब मिर्ची काट लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। मेथी दाना डालेंगे। अब हम इसमें राई भी डाल देंगे। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। क्रश करके डाल देंगे अदरक। हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। हल्दी डालेंगे और नमक भी डाल देंगे। अब हम इसमें ये पंपकिन डालेंगे। इसको डालेंगे। इसको हम बीच बीच में देखते जाएंगे।
पे अच्छी पकेगी, धीमी आंच पे। पम्पकिन की सब्जी थोड़ी मीठी लगती है, पर ये मीठी में ही इसका स्वाद आता है। कई लोग इसमें बहुत मिर्ची डाल देते हैं, मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, तो वो बहुत तीखी हो जाती है। तीखी हो जाती है तो उसका स्वाद बिल्कुल नहीं आता। ओरिजिनल स्वाद जो रहता है पम्पकिन का, वो हमको बिल्कुल मिलता ही नहीं है। और पम्पकिन ओरिजिनल स्वाद में ही खाने में मज़ा है। हम गैस तेज कर देंगे थोड़ी सी। देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई। अब हम इसमें फल्ली दाना डाल देंगे। फल्ली दाने आप अपने हिसाब से डालिए। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे, 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे को पम्पकिन की सब्जी फल्ली दाने वाली। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए पम्पकिन की सब्जी फल्ली दाने के साथ, इसे आप घर में बनाइए। ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है, खाने में मीठी मीठी लगेगी आपको, और बहुत टेस्टी सब्जी लगती है ये। आप इसको अपने घर में बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, धन्यवाद।